Hey guys, welcome back to my channel. आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर का शोरबा, जो कि मटर सूप भी बोल सकते हो आप इसको। ये बहुत ही हेल्दी होता है और इसको हम इसी मौसम में बना सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में हरे मटर आते हैं तो उसका यूज़ कर सकते हैं हम। बट इसमें हम फ्रोजन मटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, उसका ये वाला फ्लेवर, ये टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा फ्रोजन मटर से। तो हमें इसमें फ्रेश मटर ही यूज़ करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। सो गाइस, मैंने यहाँ पे एक कप मटर लिया हुआ है और थोड़ा गरम मसाला चाहिए होगा हमें। फ्रेश मलाई लिया है मैंने, और नमक, यहाँ पे मैंने काली मिर्च को कूट लिया है। फिर हमें थोड़ा सा लेमन जूस चाहिए होगा। यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन रखा है, और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा बटर, और यहाँ पर मैंने हरे धनिया की डंडियाँ ले रखी है, जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने पैन गरम करने के लिए रख दिया था। अभी मैं इसमें बटर डाल देती हूँ। बटर डालने के बाद बटर को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है लो फ्लेम पे, नहीं तो बटर जल जाएगा। आप देख सकते हो मेल्ट हो चुका है। तभी मैं इसमें बारीक कट किया हुआ प्याज ऐड कर देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि प्याज का कच्चा पन्ना निकल जाए और एक अच्छा सा कलर ना आ जाए, तब तक हम प्याज को भून लेंगे। आप देख सकते हो कि मेरा प्याज भून चुका है, बिल्कुल परफेक्ट है ऐसा। और अभी मैं इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स डाल देती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन डाल दूँगी सबसे पहले, फिर एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दूँगी इसमें। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप और डालो, नहीं पसंद है तो नहीं डालो। फिर इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, और एक मिनट के लिए हम अदरक और लहसुन को भी भून लेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा भून चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे एक कप मटर डाल देती हूँ, और मटर को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक बार ही हल्का सा मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। फिर मैं यहाँ पे हरे धनिया की डंडियाँ यूज़ कर रही हूँ, जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे हम स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर टेस्ट आता है सूप में। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद जिस कप से मैंने मटर को लिया था उसी कप से डेढ़ कप, मतलब कि 1.5 कप पानी ऐड कर देंगे इसमें। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही उबाल आने देंगे, ताकि मटर, जब तक उस 10 मिनट में मटर भी सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छे से उबल भी जाएगा। तो यहाँ पे हमने ग्रीन पीस यूज़ किया है, तो आप भी ग्रीन मटर, हरे मटर ही यूज़ करना। फ्रोजन मटर यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, उसका वो वाला टेस्ट ही नहीं आएगा जो इसका टेस्ट होगा। देख सकते हो कि मेरा मटर का अच्छे से बॉईल होने लगे हैं। तो अभी हम इसे एक मिनट के लिए और उबालते हैं। टोटली हमें इसको 10 मिनट तक उबालना है। 10 मिनट में मटर भी पक जाएगा और ये रेडी हो जाएगा। सो आप देख सकते हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे गैस ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने दूँगी। अभी हमें इसे बिल्कुल ठंडा होने देना है। सो अभी मैं मटर को मिक्सी जार में डाल देती हूँ। आप देख सकते हो इसमें से भाप निकल रहा है, तो मतलब ये अभी गर्म है। हमें इसे गर्म पे बिल्कुल भी नहीं पीसना है। अब अगर आप गर्म पे पीसोगे तो ये बाहर पूरा फैल जाएगा और पीस नहीं पाएगा। तो हमें इसे ठंडा होने देना है। मैं इसे भी ठंडा करके फिर पीसूंगी। सो आप देख सकते हो बिल्कुल पेस्ट रेडी है मेरा। अब मैं इसको वापस से पैन में डाल के और अच्छे से इसको उबाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया है, नियर अबाउट 1 कप। फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर मैं यहाँ पे बारीक कुटी हुई काली मिर्च डाल दूँगी, आधा चम्मच गरम मसाला डाल दूँगी। अगर आपको काली मिर्च और पसंद है तो आप और भी डाल सकते हो, स्पाइसेस में हमें बस इतने चाहिए। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको मैं उबाल आने दूँगी। आप देख सकते हो कि अच्छे से उबाल आने लगा है। तो अभी मैं यहाँ पर फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो हमें इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी है सूप बनके। बस इसे 1-2 मिनट भी और पकाएंगे। सो हमारा ऑलमोस्ट सूप रेडी है। तब इसमें लास्ट में मैं
नींबू का रस ऐड कर देती हूँ, जिससे कि इसमें और भी अच्छा टेस्ट आएगा। इसे आप भी ज़रूर ट्राई करना, ये सर्दियों में बेस्ट सूप है। बाकी और सूप तो हम हर मौसम में बना सकते हैं, बट ये सिर्फ सर्दियों में बनता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी मैं यहाँ पे गैस ऑफ कर देती हूँ और हमारा सूप बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ सूप को। सो गाइस आप देख सकते हो मेरा सूप बिल्कुल रेडी है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गार्निश कर लिया हरे धनिया से चिली फ्लेक्स के साथ। और यहाँ पे मैंने क्रूटॉन्स बना रखा है, ब्रेड को पीसेस में कट करके इसको फ्राई कर लिया है। आप इसकी जगह पे नूडल्स बॉइल करके उसको फ्राई कर सकते हो, जो आपको पसंद है वो आप इसके साथ ले सकते हो। सो गाइस कैसी लगी मटर की सूप? आई होप अच्छी लगी। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि सर्दियों में बेस्ट होता है और बहुत हेल्दी होता है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। और लाइक भी करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।